हाजियो आओ शहशाह करो जा देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? देखिए शहाब भाई का खुशी का सफर जल्द ही शुरू होने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुछ भाई हैं हमारे जो केरला से शहाब भाई से मिलने के लिए कल आए थे। माशाल्लाह इनका सफर बहुत अच्छा रहा और इनकी रवानगी भी वापसी जब ये हाथों हाथ ही हो गई थी शाम तक। तो इससे हमें पता चलता है, एक भाई ने और बताया कि शहाब भाई का सफर जल्दी शुरू होने वाला है, इसलिए मैं भी आपसे कहता हूँ अगर आप इलाके के यानी जहाँ पर शहाब भाई रुके हुए हैं, अमृतसर में रुके हुए हैं पंजाब के, अगर आप पंजाब राजस्थान हरियाणा या कहीं इधर के इलाके के आप रहने वाले हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर कोई शहाब भाई से अभी तक नहीं मिला है तो कोई ऐसा भी नहीं है, फ़र्ज़ भी नहीं है उनसे मिलना, लेकिन यार एक मोहब्बत है, बस एक अकीदत है कि वो हज को पैदल जा रहे हैं हज पे, तो पूरी दुनिया में ज़माना भर उनसे चाहता है एक मुलाकात करने के लिए। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ कि कोई भाई अगर नहीं अभी तक उनसे मिला हो तो जाकर मिल सकता है, क्योंकि फिर वो उनका सफ़र शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर वो उनका सफ़र शुरू हो गया और वो निकल गए पाकिस्तान तो फिर आपको वो हाथ नहीं आने वाले हैं और आप उनसे मुलाकात भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अपडेट के मुताबिक बता रहा हूँ, जो अपडेट मिली थी कि दिसंबर के आखिर में उनका सफ़र शुरू हो जाएगा। अब मेरे अजीज़ों एक बात और यहाँ निकल के आती है, अगर दिसंबर के आखिर में उनका सफ़र शुरू होगा तो ये दिसंबर का आखिर ही चल रहा है, आज 23 दिसंबर हो गई और अभी 7 दिन इस महीने के बाकी बचे हैं, 7 या 8 दिन। तो दुआ करें कि शहाब भाई का सफ़र इन 7-8 दिनों में ही शुरू हो जाए, और जो भी मक्का मदीना जाने के लिए तड़प रहे हैं उनके लिए भी दुआ करें। रात में ना लाइव चलाया था और लाइव में पता नहीं कोई एक हमारा भाई ऐसा आ गया था जो कि बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मुझे लाइव छोड़कर जाना पड़ा। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आज रात को 8 बजे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा जिंदगी बाख़ैर रही तो लाइव चलाएंगे। और मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था मेरे अजीज़ों, शहाब भाई से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है मेरे अजीज़, उनके लिए दुआ करें, उनका सफ़र जल्द ही शुरू होने वाला है और वो रुके हुए हैं इस टाइम पंजाब में, पंजाब के ज़िला अमृतसर में, और खासा गांव है और स्कूल का नाम है आफिया किड्स स्कूल। कोई मिलना चाहता है तो मुकम्मल एड्रेस दे दूंगा और मेरा नंबर चैनल के अबाउट में हैगा, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं शहाब भाई से इन 7-8 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है मेरे अजीज़ों। मैंने आपसे सवाल पूछा था, हाँ देखिए सवाल सुन लीजिए, कुरान शरीफ को जब कुरान शरीफ है उसको किसने लिखा था, जैसे कि हर किताब का एक राइटर होता है तो कलाम पाक का राइटर कौन है। मैंने सवाल आपसे इसलिए किया था कि आपके जहन को ताज़ा करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं इसका जो जवाब है, माशाल्लाह बहुत सारे भाइयों ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज़ों कुरान शरीफ को किसी ने लिखा नहीं है, बाद में लिखा गया है जब नाजिल हो गया है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने नाजिल फरमाया है। कुरान शरीफ को कोई भी लिखने वाला राइटर नहीं है, आयतें नाजिल हुई हैं और 23 साल में कलाम पाक मुकम्मल हुआ है, ये इसका आंसर है। अब इससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ यार वाकई में अल्लाह की यह आसमानी किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नाजिल फरमाया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर, ठीक है। तो इस कलाम पाक को जो है लिखने वाला कोई राइटर नहीं है, अल्लाह ने इसको नाजिल फरमाया। आज का सवाल बड़ा अहम है, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है आज का। अगर आज के सवाल का जवाब आप लोगों ने दे दिया, सभी ने दे दिया, तो मैं मानूंगा कि हाँ मेरी मेहनत करने का जो ये फल है वो मुझे मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों तक नॉलेज पहुँचा रहा हूँ। ये बताइए मेरे अजीज़ों, वो कौन सा ऐसा काम है जो हम सवाब की नीयत से करते हैं। माशाल्लाह सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, हर इस्लामी भाई जानता है इस बात को कि हाँ उस काम को हम करते हैं तो हमें माशाल्लाह 100 शहीदों का सवाब मिलता है। अब आप समझ जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं है। बहरहाल वो कौन सा ऐसा काम है जो हम जो उसे करना सुन्नत है माशाल्लाह और सवाब की नियत से करते भी हैं, लेकिन उसमें मैं सबको नहीं कहता इल्ला माशाल्लाह बहुत सुधार आया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% लोग हैं जो उस चीज़ से बचे हुए हैं, नहीं तो 80 से 85% तक लोग उस सवाब के काम में भी शैतान को राज़ी करते हैं। आप गौर व फिक्र करें और सोच कर मुझे इसका जवाब दें, यानी वो कौन सा सवाब का काम है जिसमें के हम मुसलमान ही शैतान की शिरकत करवाते हैं जानबूझकर, वो कौन सा ऐसा काम है, उस काम का नाम बताइए। मैं समझ जाऊंगा कि आपने जब कमेंट कर दी तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप वाकई में आप लोगों का जो जहन है इधर ही था, और फिर हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को ख़त्म करने की, कि यार हम नेक काम करने के लिए आ रहे हैं, सुन्नत नबी की सुन्नत अदा करने के लिए आ रहे हैं और उसमें हम शैतान को पहले शामिल कर रहे हैं। तो मैं सबको नहीं कहता, फिर कहता हूँ कि मैं 15% या 10% लोग हैं जो बचे हुए हैं ना, ज़्यादातर इसमें घिरे हुए लोग,
तो वो कौन सा ऐसा काम है, मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। आज का कलाम भी सुन लें, आज 23 दिसंबर है और शहाब भाई इंशाल्लाह ताला जल्दी सफर शुरू करेंगे, ये अपडेट आई है। आगे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कब निकलेंगे, तो शहाब भाई जाने, उनकी टीम वाले जाने या फिर अल्लाह जाने, क्योंकि उनकी जिम्मेदार लोगों ने बताया था, शाही इमाम ने और शहाब भाई भी बैठे थे डॉक्टर जुनैद साहब थे, कि 8-10 दिन में इंशाल्लाह यानी दिसंबर के आखिर तक में इनका सफर शुरू हो जाएगा। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनका सफर जल्द से जल्द शुरू करवाए परवरदिगार। तो मेरे अजीजों, आज का कलाम जरूर सुन के जाएं। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो चलिए मेरे अजीजों, कलाम शुरू करते हैं। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, कब तो चुके काबे का काबा देखो, अब तो देख चुके काबे का काबा देखो, और आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे जमजम तो पिया, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाए प्यासे, आओ जुड़ दे शह कौसर कभी दरिया देखो, आओ जुड़ दे शह को सर कभी दरिया देखो, काबा तो देख चुके काबे काबा देखो, जेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, हाज़िर मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत खूब बरसना देखो, अब्र रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। आखिर में मेरे आला हजरत क्या फरमाते हैं, गौर से सुने तो रजा
से आती है सदा। गौर से सुने तो रज़ाक़ाब से आती है सदा। मेरे अजीज़ो हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ठंड ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ, आपके यहाँ कैसी हो रही है बताएं। हम यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के ज़िला अमरोहा से हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप कमेंट करके आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके यहाँ ठंड कैसी हो रही है, और इसका जवाब दे या ना दे, लेकिन इसका जवाब ज़रूर दे जो मैंने आज आपसे सवाल किया है कि वो कौन सा ऐसा सवाबी काम है जिसमें कि मुसलमान आज के दौर में, आज के दौर हाजिर में शैतान को पहले राज़ी कर रहा है, और वो काम भी सवाब का है। आपको ये मुझे कमेंट करके बताना कि वो कौन सा ऐसा नेक काम है जिसको हम करने जाते हैं और शैतान को पहले शामिल करते हैं। सबको नहीं कहता हूँ मैं उन लोगों को हटा के कह रहा हूँ जो 10-20% भी अगर लोग हैं, तो सब एक से नहीं होते मेरे अजीज़ो, लेकिन ज़्यादातर ये कंडीशन है जिसको हमें और तुम्हें मिलकर रोकना है। अब उस कंडीशन को बता दीजिए कि वो कौन सा काम है ऐसा, ठीक है, कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह हम तुम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, और पहले खुद सुधरेंगे फिर जभी तो हम दूसरों को सुधारेंगे मेरे अजीज़ों। तो चलिए मेरे अजीज़ों, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हमारी तुम्हारी फैमिली 5 लाख की होने वाली है। यार तो अभी तक किसी ने, मेरे भाई ने या बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें। जिसने कर रखा हो तो दिल से शुक्रिया, और जो अभी तक नहीं कर पाए हैं आपका भी दिल से शुक्रिया कि आप वीडियो देख रहे हैं। तो लाइक भी करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला कल सुबह मिलता हूँ एक नए कलाम के साथ, एक नए सवाल के साथ, और इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई शाबाई की अपडेट जो मिलेगी उसके साथ। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, गरीबों का, मिस्कीनों का ख्याल रखें, और बीमारों के लिए दुआ करें, और नमाज की पाबंदी करें मेरे अजीज़ों। आखिर में नमाज की दावत देता हूँ कि नमाज 5 टाइम की पढ़ें। नमाज पढ़ ली ना और माँ बाप की इज्जत कर ली, दिल ना दुखाया कभी माँ बाप का, किसी का भी दिल ना दुखाएं। यार माँ बाप तो सबसे अहम है ही, लेकिन किसी का भी आप दिल ना दुखाएं, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी। माँ बाप की इज्जत करें, किसी का दिल ना दुखाएं, और नमाज 5 टाइम की पढ़ें, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वज़ल आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी मेरे अजीज़ों। आज जुमे का दिन है, मेरी तरफ से सबको तहे दिल से जुमा मुबारक, और नमाज आज भी 5 टाइम की आपको पढ़नी है। फजर की पढ़ ली होगी माशाल्लाह, अब जुमे की नमाज अदा करें, फिर असर मगरिब ईशा अल्हम्दुलिल्लाह आप नमाज के पाबंद बन जाइए, आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिक खुशहाली आने लगेगी। और हर मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ ऑटोमेटिक कबूल करेगा मेरे अजीजों। आप सबके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह आपके हक में बेहतर से बेहतर आपको सिला अता फरमाएगा मेरे अजीजों। तो चलिए मिलता हूं कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।